साइंस की भी इन्वॉल्व करो बच्चे मिले थे, क्योंकि हम लोग ना बॉडी के पार्ट देख खुद ही हमारे में ऐसे भी बच्चों को और भी हुई बॉडी के पार्ट वो जैसे ना मॉडर्न हो उसके और देखने में तो परफेक्ट लग रहा है। ये रिश्ते तो कुछ बदल रहे हैं। तो कुछ कर देते हैं। डांस कर रहे हैं। ममता कितने साल हो गए यहाँ पे, कब से आ रही है? वस्तु क्या कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो एक उम्मीद से कि हम लोगों में जागरूकता लाएंगे कि अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें, और पॉपुलेशन कंट्रोल होने से ही हमारा जो सामाजिक और आर्थिक हमारी दशा है समाज में, उसमें हम किसी हद तक कामयाब होए, ताकि हमारा एक सामाजिक स्तर जो है उच्च अच्छा होए, उस स्तर का होए। तो उसी प्रयास में आज एक प्रयास जो स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है यहाँ आए हैं, बड़े अच्छे बच्चों ने प्रोग्राम किया, और इनसे इंटरेक्शन करने से पता लगा कि इनके अंदर काफ़ी एबिलिटी है और कुछ करने को इनके अंदर है। इनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। जो प्रयास की संस्था है बड़ा अच्छा काम कर रही है, और देखने में आया कि एक दो साल में जो बच्चे थे यहाँ पे उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को संवारा है, सुधारा है, और एजुकेशन भी ली है। अब ऐसे हमारे कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं जो बच्चों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, ओल्ड एज पर्सन्स के लिए हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, सेफ गार्ड किया जाता है, और इसी पर्पज़ के लिए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट हम कानून में प्रावधान है, जिसके तहत चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी बनाई गई है। तो हम इसको सुपरविजन ना कह के इसको एक प्रयास कहेंगे कि हम बच्चों के पास जाएं, जनसंख्या जितना फैले जा रही है अनकंट्रोल्ड है, जाके देखें कि जो बच्चे हैं महिलाएं उनको जो इनका राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, खाने का, रहने का, पढ़ने का, वो उनको मिल रहा है, कोई उनके साथ जाति ना हो रही है। तो जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ऑर्फन्स हैं, और स्ट्रीट चाइल्ड हैं, वहाँ जाके हम देख रहे हैं उनको किसी तरह की सहायता की, क्योंकि ऐसे लोग कमजोर कमजोर तबके के लोग हैं। आओ बच्चों को दिखाए जाती हिंदुस्तान की, इसमें की से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। आपका नाम क्या बेटा? नवीश। नवीश, तो कितने साल के हो गए तुम? संख्या है
वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा गहराई तक जा चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। इसमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न तो इस संसार में रहने को लिए कुछ मिलेगा, ना कुछ खाने को मिलेगा। ये हम देख तो नहीं सकते नहीं, लेकिन हम महसूस तो करते हैं कि इतनी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि महंगाई जहाँ भी कोई कुछ जाते हैं तो वहाँ महंगाई दिन प्रतिदिन, आज जैसे 2 रुपये का सामान लिया तो कल जाते हैं वही देखते हैं, बोले यार दिन प्रतिदिन कैसे होगा, ये महसूस ही कर सकते हैं, देख तो पाते ही नहीं।